वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। हमने हमारे पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्लो एंड फास्ट रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे। फिर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी किए थे। एंड देन एनर्जी चेंजेस के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी स्टडी किए। Then we had started about the combination or addition reaction, जिसके अंदर हम लोग ने सबसे पहला टाइप element plus element to form compound वाला reaction देखा था, जिसको synthesis reaction भी बोला जाता है। So synthesis reaction basically क्या होता है? When two elements combine to form single compound, ठीक है? Then such kind of reaction is known as synthesis reaction. यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद फाइनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। जब ऐसा होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो हम रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि चीजें एड ऑन हो रही है। इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, क्या दोनों सॉलिड हो सकते हैं ए और बी? नहीं, सॉलिड दूसरे सॉलिड से रिएक्ट नहीं करेगा। एक सॉलिड है तो दूसरा गैशियस हो सकता है, तो आपको प्रोडक्ट गैशियस मिलेगा क्या? नहीं, सॉलिड ही मिलेगा। एक गैस दूसरे गैस से कंबाइन होता है तो फॉर्म समथिंग गैशियस। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में रिएक्ट नहीं होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन दूसरे एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट होगा टू फॉर्म समथिंग वेरी एक्वस अगेन, राइट? बट एक्वस वाला केस रहेगा नहीं, हमें सिर्फ तीन केस देखना है, सॉलिड प्लस गैस एंड गैस प्लस गैस। बेसिकली ये दो केस ज्यादा अच्छे से हम स्टडी करेंगे। सिंथेसिस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है? Mg plus O2 gives, कुछ तो भी देगा, और वो कुछ तो भी क्या है? यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारा नॉलेज टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, है ना? हमने देखा था, लर्न किया था हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स। तो आपको पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने के बाद, मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो एक ही चीज मिल सकती है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाएगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कॉमन फैक्टर 2 कैंसिल होके 1-1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 1-1 को, तो फॉर्मूला फाइनली क्या मिलेगा? MgO, करेक्ट? सो दिस इज द कंपाउंड विच विल बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन, बराबर है? अब आप इसको लिखोगे सही से, ठीक है? अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट अपना मेंशन कर दिया, आप फॉर्मूले बनाने सीख गए, आपने अपना प्रोडक्ट मेंशन कर दिया MgO। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट में एक ही है, तो बैलेंस करेंगे। इधर टू लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, यू विल राइट टू हियर, राइट? अब ये करने से Mg भी दो बार हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ टू लिखोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेटल कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है, तो आगे टू लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2Mg plus O2 gives 2MgO. क्या ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है? नहीं, अभी भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना जरूरी है। मेटल विल बी सॉलिड ऑब्वियसली, एयर में ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में ही है, एंड दिस विल बी सॉलिड कंपाउंड। जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, ये आप याद रखें। एरो के ऊपर आप लिख सकते हो हीट, क्योंकि हम हीट करेंगे तो भी ये रिएक्शन होगी। नेसेसरी नहीं है कहीं भी लिखा तो भी होगी, ठीक है? सो अब ये बन गई आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच प्रेजेंट्स ऑल द रिक्वायर्ड डेटा विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास, अगर मैं बोलू N2 प्लस O2, ठीक है? तो सबसे बेसिक आपके पास क्या बनेगा? N2 प्लस O2 मिलाने से आप बैलेंसी से चेक कर लो, नाइट्रोजन जो रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। नाइट्रोजन किस में जाने वाला है? नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, बट ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच इज अटैच टू इट, इट विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 5+। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन विल हैव 2-, राइट? ठीक है, तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या फॉर्मूला मिला? N2O5, करेक्ट? अब आपको यहाँ बैलेंस करना है। N2O5 को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? N2 बैलेंस जाए, O तो 5 है, यहाँ पे 2 है, सो सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो दिस साइड, ठीक है? सॉरी,
मल्टीप्लाई बाय 5, दिस साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका ये 2 5 10, 2 5 10, बट नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया, सो 2 and 2, राइट। क्या इक्वेशन कंप्लीट हो गई? नहीं। क्या लिखना है? फिजिकल स्टेट्स, गैस, गैस एंड गैस, ओके। एक और चीज आप इसको एड ऑन इसमें कर सकते हो, जो करना ही है आपको एक्चुअली, इनके नाम भी इनके नीचे लिखना है। लाइक इसका नाम क्या लिखोगे आप? मैग्नेशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, या फिर आप एयर भी लिख सकते हो, क्योंकि एयर में बर्न किया जा रहा है। यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, इस तरीके से। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तरीके का ऑक्साइड है। अब ये पेंटा ऑक्साइड है क्योंकि पास ऑक्सीजन लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशंस के नीचे उनके नाम लिखने भी जरूरी है। अब हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं हमारे, जहाँ पे हम एलिमेंट को ऐड करेंगे किसी कंपाउंड के साथ। सो हियर एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिविंग, कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? CO, ये कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ही ऑक्सीजन है, प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जितना बड़ा आपका CO उतना बड़ा O होना चाहिए, प्लीज किसी भी एक एलिमेंट को कुपोषित ना बनाया जाए। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का नीचे आप पहले तो नाम लिख दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ लिखोगे ऑक्सीजन, यहाँ लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड। कोई आलस नहीं करेगा, सारे ही बच्चे ईमानदारी से ये काम करेंगे। फिजिकल स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैशियस है, ऑक्सीजन गैशियस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैशियस प्रोडक्ट है, गैस प्लस गैस। अब CO क्या है? एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। 9th का चैप्टर 2 एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तो इसको बैलेंस करना है। ओ टू है वहां पे, प्लस 1, कितने ऑक्सीजन है? 3, 2 और 1 3, वहां 2 है, बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। आप वहां 3 लिख दोगे, यहाँ पे 2 करोगे, मल्टीप्लाई ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो आपको देखने की ये 2 है, इवन नंबर है, इसको किसी भी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करो, आंसर वुड बी इवन। ये 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस होने की चांस बनते हैं। बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो आप इसको इवन में कन्वर्ट कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि ये हमेशा एड ऑन होने के बाद ऑड ही करेगा, इवन प्लस ऑड ही आंसर देने वाला है। तो इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्राई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 ऑक्सीजन हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया 4, वो साइड 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 हो गया बैलेंस, कार्बन 2 हो गया था, 2 हो गया बैलेंस। सो नाउ दिस इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो एक एलिमेंट प्लस कंपाउंड का एग्जाम्पल है। दूसरा एलिमेंट प्लस कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, तो वी कैन डू SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस विल गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। अब बैलेंस कीजिए, 2 plus 2, 4 ऑक्सीजन है, उधर तो 3 ऑक्सीजन है, सल्फर एक बैलेंस्ड है, तो 3 into 2 किया तो आपको कितने मिल गए? 6 ऑक्सीजन, राइट। अब 2 यहाँ पे है, आप इसको कहीं यहाँ पे चेंजेस करोगे क्या? हाँ, क्योंकि आपका सल्फर 2 है, यहाँ 1 सल्फर है, तो यहाँ पे इंटू 2 करोगे, सल्फर तो बैलेंस हो गया, 2 2 4 ऑक्सीजन प्लस 2 5 6 ऑक्सीजन, 2 3 6, ये भी अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ओके। फिजिकल स्टेट गैस, ब्रैकेट में लिखोगे गैस, प्रोडक्ट साइड में आप गैस भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से अपवर्ड एरो भी शो कर सकते हैं। अपवर्ड एरो का मतलब भी यही होता है कि गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। नीचे क्या करना है? नाम लिखना है, वेरी गुड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, डॉक्टर की भाषा में नाम लिखा है, उसको समझ के लिख लेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप पे चलते हैं हमारा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिविंग अस कंपाउंड। तो इसमें क्या होने वाला है? सिंपली एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से ऐड होगा, जिसका एग्जांपल एक मैंने कल दिया था, आपको याद है क्या एग्जांपल? कैल्शियम
ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल याद है क्या आप लोगों को? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर किया था हम लोगों ने, है ना? तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है. ओके, सो ये कैल्शियम ऑक्साइड है. इसमें मैंने H2O डाला था. H2O डाला है तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहने वाला है? लिक्विड. नीचे क्या लिखोगे? वाटर. क्या मिलने वाला है मुझे वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड करने के बाद? कोई तो प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कैल्शियम होगा और हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा. तो ऐसे सिचुएशन में आपको नाम याद होना चाहिए एटलीस्ट रिएक्शन में. द थिंग विच विल यू हेल्प यू टू लर्न द मेमोराइज द रिएक्शन इज दैट आप कंपाउंड के नाम याद रखो. कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से मिलता है तो मुझे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ही मिलता है. कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एटलीस्ट नाम याद रखने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन इज पॉसिबल. अब इसका फॉर्मूला बनाना आप कर सकते हो. कैल्शियम सिंबल ऐसी है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है ओ एच. याद है वो टेबल लास्ट पेज पे आपके चैप्टर के? माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ओ एच का, कैल्शियम का टू प्लस. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? सी ए ओ एच टू. ऐसा लिखना है क्या? नहीं, हमने डिस्कस किया है, ब्रैकेट देना है, बराबर है ना? जिसने पिछली क्लासेस अगर मिस की है तो प्लीज पहले वो देखो फिर ये देखो, गो इन सीक्वेंस, बहुत प्रॉब्लम की अदरवाइज. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच ट्वाइस, दिस इज द वे वी फॉर्म द फॉर्मूले. अब इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड प्लस लिक्विड. उसी कंटेनर में जहां पे पानी है कुछ सॉलिड मिक्स हो रहा है तो क्या मिल रहा है आपको? उस सॉलिड का सॉल्यूशन. सो फिजिकल स्टेट वुड बी एक्वस, राइट? एक्वस AQ. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्लस कंपाउंड. कोई और एग्जाम्पल आपके पास है क्या? होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही उसको नोट डाउन कर लो कुछ मन से एग्जाम्पल बना के जल्दी से. तो आपका अगला एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं CaO, ठीक है, प्लस CO2 गिव्स CaCO3, ठीक है. सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है इन स्टेटमेंट. तो आप फॉर्मूले बनाना का ट्राई कर, बनाने का ट्राई कर सकते हो. सो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इतना सबको मालूम होता है बाय डिफॉल्ट, मेमोरी में अब तक आपके अननोइंगली कहीं ना कहीं फीड हो चुका है. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना, जानेंगे हम कैसे? कैल्शियम का प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बोनेट आयन का टू माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको CaCO3 मिल जाएगा, राइट? विच इज अ बैलेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये वन वन हो जाएगा, कैंसिल होके बराबर है. तो जिनको भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इन चीजों में तकलीफ हो रही है वो एक बार फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो देख ले, या फिर आपका अगर कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर का या आगे का तो प्लीज उसको रेफर कर लो. ओके, नेक्स्ट. अब इसका नाम क्या है? फिजिकल स्टेट सॉलिड गैस एंड सॉलिड. हम देख चुके हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है, सॉलिड प्लस गैस गिव सॉलिड. कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जांपल है सो कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम क्या है? मार्बल या फिर लाइमस्टोन या फिर चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ठीक है. केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम इज क्विक लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इज स्लेक लाइम. स्लेक मतलब गीला, ठीक है. तो ये हमने गीला किया है इसीलिए स्लेक लाइम बोला जाता है उसको. ये लाइम स्टोन, आपको ये कॉमन नाम याद होने चाहिए. कोशिश करो कि साथ साथ में आप यही यही चीजें याद करते चलो क्योंकि इतने सारे केमिकल नाम आखिरी में आप कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के पे बेस्ड होंगे, जिनको आपको बैलेंस करना है, क्लियर? सो आई विल बी गिविंग फ्यू क्वेश्चंस इन वर्ड इक्वेशन फॉर्मेट एज वेल एज इन सेंटेंस फॉर्मेट एंड कुछ इक्वेशंस के फॉर्मेट में ही. तो आप ट्राई कीजिएगा उन्हें सॉल्व करने का.
Now let's move ahead towards our decomposition type of reaction. So decomposition reaction, आप heading दे दीजिए decomposition reaction और उसके नीचे सबसे पहले definition लिखिए. Decomposition reaction is breaking up of a single substance into the different components. Okay? Into different products. So breaking up of a single substance into simpler components is known as decomposition of that particular substance. Decompose होना, simpler चीजों में बटना. तो इसी को कैसे represent किया जा सकता है? आपका single compound है A B, ये breakdown हो रहा है A और B में. Fine, this is the general equation which you may write below your definition. फिर आप उसके नीचे लिख सकते हो decomposition reaction is also carried out with the help of heat, light or electricity or any other form of energy. नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन. सही है, वहां पे इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही थी रिएक्शन, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. तो सबसे पहला टाइप जो है आपका फोटो डीकम्पोजिशन. फोटो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट. सो मेरे पास AgCl नाम का कंपाउंड है, कोई एक बाउल में हमने AgCl ले रखा है. AgCl क्या है आपका? सिल्वर फ्लोराइड. ठीक है, प्रॉपरली आपका ए मस्ट बी कैपिटल, जी मस्ट बी स्मॉल, सी मस्ट बी कैपिटल, एल मस्ट बी स्मॉल. इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, ए जी और सी में, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए. प्लीज ये ऐसे मत लेके जाना, कर्सिव राइटिंग वालों थोड़ा कंट्रोल करो और अलग अलग लिखना है. ये ए जी एक सिल्वर का सिम्बॉल है, सी एल फ्लोरिन का सिम्बॉल है. ठीक है, तो ए जी सी एल को जैसे ही हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि AgCl जो एक्चुअली व्हाइट इन कलर है उसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे चेंज होगा सिल्वर, ग्रेइश सिल्वर कलर में. क्यों चेंज होगा इसका व्हाइट कलर ग्रेइश सिल्वर कलर में? बिकॉज यहाँ पे फॉर्म होगा Ag सिल्वर और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाएगी एटमोस्फियर में. ठीक है, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी. So this is AgCl powder आपका सॉल्ट एक तरीके से जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा. सिल्वर आपको सॉलिड फॉर्म में मिला है, क्लोरीन गैस आपका रिलीज हो गया एटमोस्फेयर में, सो गैसियस. तो ये व्हाइट है, ये चांदी, चांदी के कलर की होती है. सही है, तो ग्रेइश सिल्वर. तो ये जो एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी एक्टिविटी है ये कैसे हुई? ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुई. इसमें क्या हुआ? सिंगल कंपाउंड दो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो गया. सो दिस इज फोटो डीकम्पोजिशन, सनलाइट की हेल्प से किया हुआ डीकम्पोजिशन. अब ये मेथड, ये जो एक्टिविटी, इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, नेम द कंपाउंड विच इज व्हाइट इन कलर एंड ऑन प्लेसिंग दैट कंपाउंड इन सनलाइट इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रेइश सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो ग्रेइश सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये बताना पड़ता है. तो कंपाउंड आपको क्लिक होना चाहिए, AgCl होता है, सनलाइट में रखते ही क्यों ग्रेइश व्हाइट सिल्वर कलर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि डीकम्पोजिशन होता है. और गैस कौन सा रिलीज होता है ये पूछा जाता है, तो आपको बताना है क्लोरीन गैस. फिर आपको रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाता है, तो आपको रिएक्शन लिखना है. अब ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? ये यूज की जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती थी? कैमरा में लेंस होता है जिसको फोकस किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. जैसे ही क्लिक किया जाता है फ्लैश निकल के ऑब्जेक्ट को टकरा के लेंस पे वापस आता है. तो जो हमारे रेटिना में एक्शन होता है वही कैमरा के लेंस पे हो रहा है. तो वो लाइट जैसे ही लेंस से फोकस होके अंदर जाएगा तो अंदर एक नेगेटिव फिल्म होता है. अगर आपने पुराने कैमरास देखे होंगे तो नेगेटिव फिल्म निकलता है. ठीक है, तो स्पेशली CID वगैरह सीरियल्स में डॉक्टर सालूम के क्या करते हैं, वो ऐसे लिक्विड में डुबाते हैं फोटोज को और उसको ऐसे छटक के पानी उसका सूखने रख देते हैं, थोड़ी देर बाद फोटो डेवलप हो गया ऐसा बोलते हैं. तो फोटो डेवलप कहाँ से हो रहा है? उस नेगेटिव फिल्म से जो एक्सरे के जैसा दिखता है. ठीक है, तो उस नेगेटिव की फिल्म के ऊपर AgCl की कोटिंग होती है. तो लाइट जहां भी आके रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट से जब टकराती है उस नेगेटिव पे, तो जिस जिस जगह पे ऑब्जेक्ट थी वहां वहां पे रिफ्लेक्शन होके वो टकराएगी, उतने जगह पे डिकम्पोजिशन होगा. AgCl में से Ag और Cl इवेपोरेट होगा, तो Ag वहां पे जमेगा तो वो व्हाइटिश एरिया बन जाएगा, तो वहां पे इमेज डेवलप होगी और बाकी पूरा वैसे ही ब्लैक और येलोइश कलर का रह जाता है. ठीक है, so this is the way in which AgCl is used in black and white photography. AgCl के अलावा black and white photography में AgBr भी use किया जाता था, silver bromide, which is yellow in color. Okay, ये solid है, इसको भी इसी तरीके से sunlight के presence में रखते हैं. मेरे सवाल, तुम sunlight मत बनाओ, मैं पूरा ही लिख देती हूँ. sunlight
किसी रेफरेंस बुक में आप देखोगे स्टैंडर्ड तो एच न्यू लिखा होगा, इट इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट न्यू, ये फिजिक्स की भाषा है सनलाइट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप गेस कर सकते हो, AGBR को सनलाइट में डाला तो, काश आप यहाँ होते मुझे बताने के लिए, Ag+Br2। अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, Cl2 है, गैस है, हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगी, 2, 2 and 2 बैलेंस, राइट। आई नो मोहित बोल रहा होगा इतने देर से कैमरा तो सिर्फ मैम बैलेंस नहीं हुआ, मैम बैलेंस हुआ, अब ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंस, गुड। ऑल द एक्टिव लिसनर्स जिन्होंने भी गेस किया कि ये बैलेंस नहीं है, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, ब्रोमीन एक्चुअली होता है लिक्विड फॉर्म में बट रिएक्शन में जब डिकम्पोज होगा तो गैशियस फॉर्म में इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो दिस इज सिल्वर, दैट इज ब्रोमीन गैस, नाम लिख लीजिए। अब ये रिएक्शन में सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो इस रिएक्शन को इन जनरल बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शन, सॉरी एनालिसिस रिएक्शन, क्या बोला जाता है, एनालिसिस रिएक्शन। एनालिसिस रिएक्शन, ठीक है। एनालिसिस रिएक्शन क्यों, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही हो रहा है, बड़ी चीज टुकड़ों में बट रही है तो एनालाइज हो रही है, एनालाइजेशन हो रहा है, सो दिस इज एनालाइज एनालिसिस रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो एवरी एनालिसिस रिएक्शन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बट ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन मे और मे नॉट बी एनालिसिस, जरूरी है क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, कंपाउंड डिकम्पोज होगा तो छोटे छोटे कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, तो वो सिंपल डिकम्पोजिशन होगा, एनालिसिस रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर। सो फोटोसिंथेसिस सॉरी फोटो डिकम्पोजिशन आई गेस आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हेडिंग देने के बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ और विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप आपने फोटो डिकम्पोजिशन का भी डेफिनेशन लिखा है, तो इसका डेफिनेशन लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो इतने देर से हम कर रहे हैं, CaCO3 ऑन हीटिंग, हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल से, ठीक है। तो कुछ हीट जैसा ट्रायंगल जैसा दिखा, अंडरस्टैंड कर लेना कि इसका मतलब है हीट। क्या मिलेगा, CaO+CO2। अब ये रिएक्शन तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, टू वे रिएक्शन है, डिकम्पोज होके वो मिलता है, उधर कंबाइन होके ये मिलता है, सो CaCO3 सॉलिड सॉलिड गैसियस। चलो अब नाम बताओ इन सबके क्या है, अभी अभी मैंने नाम बताए थे आपको याद होना चाहिए। CaCO3 का केमिकल नेम बहुत ईजी है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तब तक कॉमन नेम बताओ अभी क्या होता है, नीचे से पेज पलट के चीटिंग नहीं, बिना देखे सोचने की कोशिश करो, याद आएगा, याद रहेगा फिर लंबे समय तक, देख लोगे तो बुक बंद करते भूल जाओगे। सो लाइमस्टोन, राइट, कॉमन नेम इसका था लाइमस्टोन, बराबर। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या था, क्विक लाइम। जिनको याद आया वेरी गुड, जिनको नहीं आया अब याद कर लो। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नथिंग टू बी एक्सप्लेन स्पेशल। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हीट की वजह से सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ है दो डिफरेंट कंपाउंड्स में, सो कंपाउंड इज ब्रेकिंग इनटू कंपाउंड एंड कंपाउंड। अब ये एनालिसिस रिएक्शन है क्या, नहीं, एलिमेंट्स नहीं मिले हैं मुझे, कंपाउंड मिले है, सो दिस इज नॉट एनालिसिस रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल मेरे पास है PbNO3 ट्वाइस का, इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल हम एक्चुअली कर चुके हैं कलर चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स में, देखते कितने लोगों को याद आता है, मतलब आप खुद ही खुद को देखोगे, मैं तो नहीं देख सकती हूँ। So, PbNO3 twice on heating gives us what? कुछ याद है? PbO plus NO2 plus O2 है ना? PbNO3 twice का कलर
व्हाइट इन कलर, नाम लेड, नाइट्रेट, सही है, ठीक है। पीबीओ का कलर येलो, कलर चेंजेस वाले कैरेक्टर सिक्स में ये एग्जांपल हमने देखा था। नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड टू ऑक्साइड एनओ टू, ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अ व्हाइट कलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग डीकम्पोजेस टू गिव येलो कंपाउंड विद ब्राउन फ्यूम्स, नेम द व्हाइट कलर सब्सटेंस एंड द फ्यूम्स एंड द येलो कंपाउंड, राइट द रिएक्शन। सो दिस इज द रिएक्शन, दीज आर द नेम्स। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लिखो नीचे। ऑक्सीजन गैस, सिंबल्स बनाओ, गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, बैलेंस करोगे इक्वेशन को, टू टू फोर, चेक कर लो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस व्हाइट येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस का रिलीज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, FeSO4 फेरस सल्फेट के पाउडर को हमने हीट किया, तो यहाँ पे हमें Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 मिलता है। सो SO2 एंड SO3 ये दोनों पॉइजनस गैस है, स्पेशली SO3 इज मोर टॉक्सिक देन SO2। SO3 को इवन आप अगर इनहेल कर जाते हो गलती से तो यू मे बिकम अनकॉन्शियस ऑन स्पॉट, और इसके बहुत गंदी रॉटन एग्स जैसी स्मेल होती है। सो मास्क पहन के जनरली अगर कोई रिएक्शन ये लैब में करवाता है तो कंपल्शन है, प्रिकॉशन है टू वियर मास्क, जो हमें इस रिएक्शन को देख के नहीं पता चल रहा, बट हमें देना पड़ेगा, लिमिटेशन है, याद आया। दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, गैस एंड गैस, नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, पहले तो दिख रहा है कि वहां पे दो सल्फर है, बैलेंस किया, ऑक्सीजन कितना है, हो गया 4 to the 8, आयरन दो है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैलेंस हो गया, ठीक है। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये दो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस का आप लोग देख ही चुके हो, H2O, ट्वाइस H2O ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 2H2+O2, है ना। तो ये याद ही कर लो इसको बैलेंस्ड वे में ही, ऑलरेडी 2H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडीशन हमको लिखना है, एरो के ऊपर जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, नीचे नाम लिखेंगे। नेक्स्ट NaCl, टाटा शुद्ध नमक, सॉलिड में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे जल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सो इट मस्ट बी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब एक्वस अलग है, एक्वस कब बनता है, जब पानी में घोलते हो, मोल्टन कब बनता है, जब उसको पिघाला है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया है हीट करके प्रीवियसली, ठीक है। सो मोल्टन NaCl आपको देता है Na+Cl2 ऑलवेज, ठीक है। हैलोजन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी, याद रखो ये 4, 5, 6, 8 एलिमेंट हमेशा नीचे 2 आएगा। एंड बैलेंस करोगे ट्वाइस सॉलिड गैस, एरो के ऊपर कुछ लिखना रह गया है क्या, हाँ रह गया है, क्या लिखना है एरो के ऊपर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी नॉट हीट, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वैसे ही अनदर एग्जाम्पल वुड बी Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है मेटल का, ये मोल्टन स्टेट में होगा, ये रिएक्शन सब मेटलर्जी में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एरो के ऊपर लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी, आपको मिलेगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, राइट, बैलेंस करना है मुझे, तो ये हो गया बैलेंस, सॉलिड गैशियस मोल्टन, नीचे नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। दो टाइप के रिएक्शन आपने स्टडी कर लिए, टाइप नंबर 1 कॉम्बिनेशन, टाइप नंबर 2 डिकम्पोजिशन। अब इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉय लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।